पत्थरदेवा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हारून अली ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आश्वासन पर चुनावी मैदान में जनता से संपर्क में हूं और टिकट मिलने के बाद हमारी लड़ाई स्थानीय विधायक व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से होगी। हारून ने बताया कि कृषि मंत्री पद पर बने रहने के बाद भी सूर्य प्रताप शाही पत्थरदेवा विधानसभा का अपेक्षित विकास नहीं कर पाए। बेतालपुर की चीनी मिल आज भी अपने तारनहार को ढूंढ रही है। यहाँ के गन्ना किसान आज भी मारे मारे फिर रहे हैं। भाजपा सरकार ने किसानों युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, किसान विरोधी बिल इसका जीता जागता उदाहरण है। आज भी क्षेत्र में बढ़िया अस्पताल नहीं है जिससे इस क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि यदि मुझे टिकट मिला वो हमारे प्रदेश में सरकार बनी तो पूर्व में कार्यकाल की तरह इस बार भी हमारे क्षेत्र का ही नहीं पूरे प्रदेश का पूर्ण विकास होगा और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर विकास के मॉडल के रूप में स्थापित होगा। हारून जी, आप पत्थरदेवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, टिकट आपको मिल जाता है तो आपकी लड़ाई किससे होगी और क्या आपके मुद्दे होंगे? जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम चल रहा है रथ यात्रा और ये परिवर्तन की जो रैली चल रही है, सत्ता परिवर्तन होगा और मैंने अपना टिकट यहाँ से जानकारी पेश किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समय, तो मुझे पूरा यकीन है कि टिकट मुझे मिलेगा और मेरा टिकट मिल जाता है तो मेरा सीधा मुकाबला भाजपा से होगा जो सब सत्ता में पड़ी। और हमारे सामने जो बेसिक मुद्दे हुए हैं, सबसे पहले शिक्षा का है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे तभी कामयाब बनेंगे और ये जो सरकार है शिक्षा को ही सबसे पीछे करके रखी हुई है, ताकि लोग पढ़े नहीं रोज़गार मांगे नहीं। और बाकी जो ये सरकार है सारे चीज़ों में देख ही रहे हैं किस तरह का धोखाधड़ी चल रहा है, चालबाजी चल रहा है, किस तरह लूट खसोट जो है मचा हुआ है। जनता तरह तरह कर रही है और जनता एकदम से तैयार है इनको सत्ता से बेदखल करने के। कृषि मंत्री का ये क्षेत्र है और ये कृषि मंत्री ने क्या विकास नहीं किया है जो आप विकास करेंगे, क्या छुपे रह गए हैं बुद्धे? देखिए, जहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद है जब 2017 में कृषि मंत्री जीते थे तो मैंने उनको मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया था, होली का दिन था। मैंने उनसे आग्रह किया था, देखिए हम लोग पत्थरदेवा विधानसभा में हैं पूर्वांचल के और बिहार के किनारे हैं, हम लोगों के क्षेत्र में हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बहुत कमी है। इस पर साई जी से मैंने बात किया था, दिल्ली ख्वाहिश है कि आप जीते हैं मंत्री भी बनेंगे तो यहाँ पर एक बेहतरीन अस्पताल का न्यू डलवाइएगा और उसको बनवाइएगा ताकि हमारे गरीब लोगों का यहाँ पे ठीक तरह से इलाज हो सके, जो इलाज के भाव में गाड़ी में लाद कर देवरिया और गोरखपुर और लखनऊ न जाएं और बीच में किसी का दम न निकले। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये सरकार जो है और जिस तरह कृषि मंत्री जी ने इस क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया, अब आनंद फानंद में जो रोडों का काम कर रहा है ये तो बहुत ज़्यादा धरने प्रदर्शन और लूट खसोट हो चुकी है, अब जल्दी जल्दी में लिपा पोती का काम चल रहा है। अभी भी आप देखेंगे जो गांव गांव से जोड़ने वाली सड़कें हैं उसमें कोई खासकर काम नहीं हो रहा है, जो मेन सड़कें हैं सिर्फ वहीं पे काम हो रहा है। महुआडी से हेतिमपुर रोड खराब है, क्या कारण है कि रोड खराब है? यहाँ पे देखिए कारण क्या है, रोड रिपेयर कभी हुआ नहीं, लोगों ने ध्यान इस पर दिया नहीं, सिर्फ ये जनता को लूटने का काम जो है इन्होंने किया था, इसीलिए विकास के काम पर इन्होंने कभी किया ही नहीं। हमारे पत्थरदेवा विधानसभा में बंजरिया के पास ये ITI आने वाली थी, उसका कुछ पैसा बजट भी पास हुआ और आज तक वो ITI जो है न्यू में ही है। तो मैं पहले ही जैसे मैंने बोला आपको, ये जो है पढ़ाई लिखाई के ध्यान में और हॉस्पिटल के और इलाज के ध्यान में इनका ध्यान ही नहीं जाता है, हर ये वही काम करते हैं जिससे व्यापारियों को फायदा हो सके। देवरिया को चीनी का कटोरा कहा जाता था और बैतालपुर चीनी मिल, देवरिया चीनी मिल, ये जो बैतालपुर है ये तो पत्थरदेवा में आता है, इसमें कृषि मंत्री होने के नाते भी उन्होंने कुछ नहीं किया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहले ही कहा ना, ये सरकार जो है आम लोगों के लिए है ही नहीं, सिर्फ जो है ये व्यापारियों के लिए सरकार। अगर व्यापारियों के लिए कोई भी कानून लाना हो तो जल्दी से लेकर आएंगे, कोई भी काम करना हो जल्दी से करा देंगे अमल में। जैसे आप लोगों के सामने देखा कृषि बिल, इसका विरोध तकरीबन 12 महीने से ज़्यादा चला, 800 के करीब किसानों ने जान गंवा दी, तब जाके सरकार को अकल खुली कि अब अगर हम बिल को वापस नहीं करते तो हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इन्होंने अपना निजी फायदा देखने के लिए उस बिल को वापस किया, किसानों के हित में इन्होंने नहीं किया।